आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चुनाव की जो सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है, और सरगर्मियों के बीच यहां पर जो ताजपोशी है उसका सिलसिला भी लगातार जारी है। हम ताजपोशी की बात करते हैं, अभी हाल में ही समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अधिवेशन हुए, राज्य स्तरीय अधिवेशन हुए, वहाँ पर नरेश उत्तम पटेल को प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में बनाया गया। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अखिलेश यादव की यहाँ पर तीसरी बार ताजपोशी की गई। उसके साथ साथ जो महज सहयोग कहें या व्यवस्था कहें, इसके तुरंत बाद हम अगर देख रहे हैं तो कांग्रेस में भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसकी भी ताजपोशी हो गई है। और ताजपोशी की बात करें तो यहाँ पर बिजलाल खाबरी जो कि बसपा में थे, पहले बसपा से कांग्रेस में आए थे, और उनको यहाँ पर महत्वपूर्ण पद देते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साथ में छह प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाए गए, जिसमें बसपा से अभी जून 2022 में आए नकुल दुबे भी शामिल हैं, योगेश दीक्षित भी शामिल हैं, और तमाम बड़े नाम ऐसे हैं जो उन्होंने लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिसको लेकर लगातार चर्चा चल रही थी और कांग्रेस पर लगातार विपक्ष हमलावर था कि कांग्रेस में बिना सेनापति के सेना काम कर रही है, किस तरह काम होगा। क्योंकि राहुल गांधी की अगर हम यात्रा की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, 7 सितंबर को शुरू हुई है, 3,557 किलोमीटर की ये यात्रा है, और ये लगातार 1,000 किलोमीटर की इस यात्रा को पूरा कर चुके हैं राहुल गांधी। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव कांग्रेस में उसकी भी सरगर्मियाँ लगातार बढ़ती चली आई। सरगर्मियाँ ऐसी रही कि पहले अशोक कुमार गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उनके नाम की चर्चा हुई, इसके साथ साथ फिर अचानक दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो भी कूद गए। उसके बाद इन दोनों का नाम अलग हटकर जाते हुए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात हुई, उसके साथ ही साथ बात होने लगी शशि थरूर की। खड़गे और थरूर इन दोनों के बीच चुनाव हुआ, दोनों यहाँ पर आए, लखनऊ भी आए, क्योंकि 9,540 के लगभग यहाँ पर जो डेलीगेट्स थे जिनको वोट देना था, उसमें 1200 से ज़्यादा जो डेलीगेट्स उत्तर प्रदेश से थे, और यहाँ पर खड़गे भी आए थे और यहाँ पर शशि थरूर भी आए थे, और दोनों ने यहाँ पर अपने जो कांग्रेस के जो सदस्य हैं, कमेटी के सदस्य हैं, उनसे समर्थन की मांग की थी। और साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी रही कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आए थे तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने समर्थन मांगा, पर जब शशि थरूर यहाँ पर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने बात में अपनी चीज़ों में बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे, जिस पर तंज करते हुए कांग्रेस के ही राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने ठीक शशि थरूर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और की और कहा कि मैं खड़गे का प्रस्तावक हूँ, उनकी प्रचार समिति का सदस्य हूँ, पर जिस तरह से यहाँ पर शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे, तो कांग्रेस क्या मरी हुई है जो उसको पुनर्जीवित करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद भी यहाँ पर नजर आए। खैर, मतभेद कोई भी हो, पर यहाँ पर फिलहाल जो 19 तारीख का जो आज दिन था वो दिन में फैसला आ चुका है, और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। अहम बात, 24 साल बाद गैर कांग्रेसी परिवार से कोई, जो गांधी परिवार से कहूँगा, गांधी परिवार से यहाँ पर कुर्सी मिली है। 137 साल पुरानी पार्टी 24 साल बाद यहाँ पर गैर गांधी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन हुआ है। इसके मायने क्या है, संगठन कैसे मनाएंगे, सामंजस्य कैसे मैनेज करेंगे, और अभी हाल में हम देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश चुनाव भी है, गुजरात चुनाव भी है, उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर का चुनाव भी अगले साल की शुरुआत तक हो सकता है। तो भाई उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, जो कि उत्तर प्रदेश में 24 चुनाव के पहले का हम सेमीफाइनल मान सकते हैं। कुछ बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। It is a part of our internal election. It is not general election. So whatever we have discussed in the elections or whatever we have said, it is friendly. There is nothing. And we together we have to build the party. He telephoned me. He said good luck. I also said same to you. बहुत अच्छा। आदरणीय खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्हें आपके माध्यम से हृदय से बधाई देना चाहूँगा। आदरणीय थरूर जी, आदरणीय खड़गे जी, चुनाव हुआ है। खड़गे जी का बहुत पुराना इतिहास है, 51 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर पीसीसी मेंबर ने उनको वोट दे करके चुनाव जिताया है। इसके लिए कांग्रेस परिवार की ओर से खड़गे जी को ढेरों शुभकामनाएं बधाई।
फिलहाल महत्वपूर्ण मुद्दा है बदलाव क्या होगा, सामंजस्य कैसे होगा और रणनीति बनाकर किस तरह कांग्रेस को दोबारा उसी युग में लाने का प्रयास किया जाएगा जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है। लंबा कार्यकाल देश पर दशकों राज किया, कई राज्यों में दशकों राज किया, पर अब स्थिति उलट है। उलट इसलिए है कि हाल में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं और वहाँ पर भी आपने देखा किस तरह से वहाँ पर ना लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा काम आया, ना 40% महिलाओं को टिकट देने का नारा काम आया, ना स्कूटी की बात यहाँ पर नजर आई और ना ही सूर्यपत्र ने कोई काम किया। फिलहाल मैपुर चर्चा है और मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूँ। यहाँ पर शमसी अजहर भाई भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, नेता आपके रूप में यहाँ पर नरेंद्र श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में प्रदीप तिवारी भाई अपना पक्ष रखेंगे, अजय कुमार श्रीवास्तव विश्लेषक के रूप में अपना पक्ष रखेंगे और विवेक पांडे भाई समाजवादी पार्टी अपना पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता कांग्रेस से रहेगा। प्रदीप भाई बधाई हो आपको, 24 साल बाद यहाँ पर गैर गांधी परिवार का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। चुनौती बड़ी है और कहीं ना कहीं उम्र भी बड़ी है, 80 साल की उम्र है और जाहिर सी बात है खैर उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, अगर आर्मी एक्टिव है तो कितने लंबे समय तक कार्यकाल कर चुका कर सकता है। और हमारे देश में एक तमाम तरह के ऐसे उदाहरण है जो उम्र के बावजूद लंबा उन्होंने कार्यकाल रहा, उम्र की बात नहीं करेंगे, पर चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं। और जिस तरह से हमने आपको बताया कि अभी हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थरूर जी की, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही उसके बाद प्रमोद तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही तो बेचारे मतभेद भी नजर आए, कैसे देखते हैं कि चुनौतियां क्या रहने वाली है, चुनाव सामने हैं और महत्वपूर्ण ये पद है, निर्वाह कैसे होगा? पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। वो हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं जी और पूर्ण विश्वास है कि उनका अनुभव जो है जी वो कांग्रेस के काम आएगा और कांग्रेस पार्टी जी निश्चित ही जो विषम परिस्थितियां इस समय चल रही हैं जी हमारी उनसे बाहर आकर के हम निश्चित ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे जी। क्योंकि आप जो उम्र की बात करते हैं जी तो उम्र के साथ साथ में आप देखेंगे तो बड़ा लंबा अनुभव है उनको, 10 बार विधायक रहे, 3 बार सांसद रहे, छात्र नेता के रूप में शुरुआत करी थी खड़गे जी ने जी और वहां से लगातार संघर्ष करते चले आए, कानून की पढ़ाई करी, कानून की पढ़ाई करने के बाद जब वो मुकदमे लड़ने की उन्होंने शुरुआत करी तो उन्होंने मजदूरों के लिए शुरुआत करी मुकदमे लड़ने जी। और वो मजदूर यूनियन के भी नेता रहे कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने से पहले जी। रेल मंत्री रहे भारत सरकार में, श्रम रोजगार मंत्री रहे, लोकसभा में नेता रहे हमारे और राज्यसभा में, तो बड़ा लंबा अनुभव है। हम लोग तो उनके अनुभव का फायदा लेना चाहते हैं जी। हम चाहते हैं कि उनको जो अनुभव है जी। वो एक ऊपर से लेकर के नीचे बॉटम तक कांग्रेस का कार्यकर्ता है जी। उसको उनके अनुभव का फायदा मिले जी। कैसे राजनीति हमेशा सत्ता के सुख को भोगने के लिए नहीं होती है जी। आज लोग कहते हैं कि बड़ा आपने जैसे अभी क्वेश्चन उठाया कि मतभेद शशि थरूर जी जी। और मल्लिकार्जुन नहीं, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा थी जिसके अंतर्गत जो लोग बैठे थे सत्ता में कहते थे कि कांग्रेस पार्टी में कभी भी कोई गांधी परिवार के अलावा अध्यक्ष नहीं हो सकता है, उनके लिए करारा जवाब है। ये करारा जवाब है कि लोकतंत्र अगर कहीं जिंदा है तो वो कांग्रेस पार्टी में जिंदा है। यहाँ पे चुनाव करके चुन करके मल्लिकार्जुन संघ ने जिसको चाहा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन गया। इनको दिक्कत होती थी कि अभी तक चुनाव नहीं हो रहा था, चुनाव हो करके खड़गे जी अब राष्ट्रीय पार्टी के हमारे अध्यक्ष बन गए हैं, उसमें भी क्यों वो बन गए, क्यों कोई दलित नेता जो है एक दलित परिवार से आया हुआ व्यक्ति कैसे राष्ट्रीय पार्टी का नेता बन सकता है? वो बहुत ऐसा बयान तो बीजेपी से भी आया नहीं है। आज रिजल्ट आया, हम लोग बहुत खुश हैं जी। क्या जी ठीक है प्रदीप भाई, आपकी आवाज भी थोड़ी डिस्टर्ब कर रही है। शमसी भाई यहाँ पर जिस तरह आपने देखा कि महत्वपूर्ण यहाँ पर लंबे समय से इंतजार हो रहा था, चुनाव के बाद अजय कुमार लल्लू जो कि उस समय के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटा दिया गया था, उसके बाद अब बिजलाल खाबरी बनाए गए, 6 प्रांतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली है, कैसे देखते हैं? प्रदीप भाई तो बोल रहे हैं कि करारा जवाब है आप लोगों के ऊपर, आप लोग बोलते हैं कि गांधी परिवार से ही लोग बनते थे, वो आपका संघ जिसको बैठा था उसको बैठा लेते हैं।
धन्यवाद गौरव जी आपका और आपके चैनल का जी कि आज के इस बहस में और आज के मुद्दे में हम लोगों को मेहमान बनाकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जी। देखिए मामला तो ये कांग्रेस का अपना खुद का है, लेकिन ये है कि पहले कहा जाता था भाई को आवाज नहीं आ रही, आवाज मैनेज कराई है। डूबती हुई नाव कहा जाता था, डूबता हुआ जहाज कहा जाता था, लेकिन आज की स्थिति ये है कि डूब चुका जहाज हम लोग इसको मानते हैं। डूब चुका कैसे भाई? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल से पूरी तरीके से धरातल से खत्म होती जा रही है। अच्छा। आज इनको भारत जोड़ो यात्रा के नाम से, जब कहीं भारत टूट नहीं रहा, जिस वक्त भारत मजबूत था तो इन्हीं लोगों ने भारत तोड़ने का नारा दिया था, जगह जगह की ये बनाया जाए, जगह जगह ये स्टेट बनाया जाए, कभी खालिस्तान बनाया जाए, कभी ये बनाया जाए, कभी वो बनाया जाए, तो इस तरीके की आवाज कांग्रेस पार्टी की सरकार में हमेशा उठती रही। अच्छा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से कहीं पर भी भारत को तोड़ने का नारा, जो पाकिस्तान का झंडा लगा दिया करते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया करते थे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो ऐसा कहीं भी देखने और सुनने को नहीं मिलता। उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि भारत जोड़ो आंदोलन करना चाहिए तो यह अजीब विडंबना है। ये तो सत्याग्रह आंदोलन भी उस दिन करते हैं जिस दिन सोनिया गांधी को ईडी के ऑफिस में, सीबीआई के ऑफिस में बुलाया जाता है, तो ये उसका सत्याग्रह का नाम देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से ओछी राजनीति रही है और कांग्रेस पार्टी के पास कोई नेता नहीं बचा जिम्मेदारी लेने के लिए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोगों की बलि देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको पता है, बलि देने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये नेता अच्छा होता, ये हमारे लिए कांग्रेस का माहौल बना होता, कांग्रेस 2024 में कहीं पे जीतती दिखाई देती, तो आप यकीन जाने मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि राहुल गांधी को यकीनन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता। लेकिन ये अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके सारे बुद्धिजीवी और सारे नेताओं को मालूम है कि 2024 में भी प्रयास लाख कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है, ये कांग्रेस पार्टी को पता है जी, क्योंकि हम जमीन पे काम कर रहे हैं, हमको पहले से ही पता होता है कि जनता की क्या मांग है, जनता का क्या कहना है, जनता से रूबरू हमेशा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी, उत्तर प्रदेश में राज करते हुए भी, ऐसा कोई भी एक सप्ताह नहीं गया होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्यक्रम न किया हो, जनता के द्वार पर जाने का कार्यक्रम न किया हो, जनता के बीच में चौपाल करने का कार्यक्रम न किया हो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक्टिव रहती है, तो ये इस बात का सबूत है, उत्तर प्रदेश में दूसरी बार और केंद्र में दूसरी बार जो सरकार बनी है, तो ये इस बात का सबूत है कि जनता भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जान रही है और जनता चाहती है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान में अमन चैन बना हुआ है, उसी तरीके से दोबारा से फिर एक बार मोदी जी की सरकार 2024 में बने, ये कांग्रेस पार्टी को भी अच्छी तरीके से मालूम है। नहीं तो दिग्विजय सिंह आए, उसके बाद ये आए, उसके बाद वो आए, और बीच में एकदम से शशि थरूर और उनके बीच में चुनाव होता है, 6000 वोट से भी जीत जाते हैं आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लेकिन क्या उनको उत्तर प्रदेश की कोई जानकारी है? क्या बिहार के चुनाव को वो साध सकते हैं? ऐसा कहीं भी नहीं। अभी वो संगठन अपना बनाए, संगठन के लोगों में अगर मतभेद नहीं होगा तो देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है विपक्ष के हर हमले को झेलने के लिए, और इनके हमले जो है अब भारतीय जनता पार्टी पे असर भी नहीं कर रहे। अच्छा। इसलिए बहुत ज्यादा सीरियस हम इनको लेकर नहीं कि खड़गे हो जाए या कोई हो जाए। अच्छा। ये उनका आपसी मामला है, हम अपना जो काम है वो हम काम कर रहे हैं। 2024 हमारा लक्ष्य है और तीसरी बार यकीनन हम हिंदुस्तान में फिर से मोदी सरकार, 51 साल के अनुभव वाला अगर राष्ट्रीय बनता है जी, इससे भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत नहीं? ना ना, कोई दिक्कत नहीं, हम तो जनता के बीच में है और पार्टी हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अभी तो इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना संगठन नहीं तैयार किया, संगठन इनको तैयार करते करते सालों लग जाएगा, तो इस तरीके से हमको जो है, हम जनता के बीच में, हमको जनता से मतलब है। कांग्रेस में तो आपने बता दिया बलि का बकरा बनाया जा रहा है, 24 चुनाव हारने वाले हैं, सपा के लिए तो नहीं कहेंगे ऐसा? राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर अखिलेश यादव बने हैं और नरेंद्र तो पटेल बने हैं। नहीं, सपा के पास भी देखिए वही बात है कि सपा के पास भी खोने के लिए कुछ नहीं, तो एक बार फिर से उन्होंने नरेशोत्तम पटेल के ऊपर, नरेशोत्तम पटेल ने क्या राजनीति किस तरीके से ब्लैकमेल किया, हम लोग भी यही समझ रहे थे कि समाजवादी पार्टी कोई नया पत्ता खोलेगी, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से नरेशोत्तम पटेल को उन्होंने बनाकर ये साफ जाहिर कर दिया कि विपक्ष में कोई दम नहीं रह गया। ठीक है विवेक भाई, आपने बातें सुनी कांग्रेस की भी और प्रवक्ता भाजपा की तमसी भाई की भी बातें सुनी, आपको बता दिया कोई बचा नहीं है, कांग्रेस तो बता रहा है कि खत्म हो चुकी पार्टी है, खत्म हो चुकी है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो पूरे मंच को धन्यवाद देते हुए उपस्थित पैनलिस्ट को मैं अनुमोदन के साथ प्रणाम करता हूं और अपनी बातों को बड़े शिष्टाचार के साथ रखूंगा, उम्मीद करूंगा कोई बीच में टोके। जी बिल्कुल जी, ये वही भाजपा है जी जिसने 1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें हासिल की थी, और उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम लोग हमारे लोग जी। ये वही भाजपा है जिसकी सरकार केवल एक सीट की वजह से गिर गई थी लोकसभा में। अच्छा। और ये वही भाजपा है जिसको 15 साल तक जनता ने नकार दिया था उत्तर प्रदेश में, और 15 साल के बाद जब वापस ये लौटे तो प्रचंड अहंकार इनकी शब्दावली में झलक रहा है जी।
अब ये कहते हैं कि परिवार सिमट गया, ये कहते हैं राजनीतिक दल समाप्त हो जाएंगे। आज राजनीतिक दलों को समाप्त करने का सपना संजोते संजोते मुझे लगता है कि 22 राज्यों से सिमट करके 15 या 16 राज्यों तक सीमित हो गए। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी बात वन रैंक वन पेंशन पे ला रहे थे, नो रैंक नो पेंशन कर दिया जी। उसके बाद काला धन लाने वाले थे, सदन में कह दिया कि काले धन का हमें पता ही नहीं कि विदेशों में कितना काला धन जमा है। अच्छा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाने वाले थे जी, अब 1 ट्रिलियन जी विदेशी मुद्रा के नुकसान में भारत इस समय खड़ा है जी। गरीबों से लेकर के भुखमरी इंडेक्स से लेकर किसी इंडेक्स में फजीहत कराने में इन्होंने कसर छोड़ी नहीं भारत की। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं जी। इस देश की सांस्कृतिक विरासत जी, गंगा जमुनी तहजीब के साथ कभी दूध की नदियां बहा करती थी, आज पहली सरकार उत्तर प्रदेश के इतिहास में जिसने दूध पे GST, पनीर पे GST, दही पे GST, पराठे पे GST और अब तो सुनने मिल रहा है कि पंचायती राज विभाग इनका मध्य प्रदेश में साइकिल और बैलगाड़ी पे भी टैक्स लगाने जा रहा है। अच्छा, और जो PM आवास इन्होंने बांटे हैं खूब स्वांग रच रच के बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दे दे करके, उस पर भी ये टैक्स वसूलने जा रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए तो पहले इस देश की बढ़िया है ना, साइकिल भी रोड पे चलती है और जो बैलगाड़ी रोड पे चलती है, क्या दिक्कत है भाई? साइकिल भी रोड पे चलती है, बैलगाड़ी रोड पे चलती है, लेने दीजिए टैक्स। आपको समझना होगा इस देश का जो कृषक है जी, वो मौसम की मार झेलता है जी, वो सरकारी मनमानियों की मार झेलता है जी, सामंतवादी साहूकारों की मार झेलता है जी, बिचौलियों की मार झेलता है जी, मंडी की मार झेलता है, उद्योगपतियों की मार झेलता है जी, और सबसे बड़ी बात है इस देश का लगभग 67 से 72% जो किसान है वो निम्न स्तर की खेती करता है जो अल्प आय में आती है जी। अब आप उससे अगर टैक्स वसूलना चाहते हैं तो वसूलिए, लेकिन बड़ी शिष्टाचार के साथ एक बात मुझे ये बता दीजिए कि मोदी जी की सरकार आने के बाद जो इन्होंने अपने दोस्तों से 19-20 में 720 करोड़ का चंदा लिया, फिर उसके बाद जो इन्होंने 18 कहां से आंकड़े लेके आते हैं भाई, बड़े अच्छे आंकड़े लेके आते हैं आप, समझे भाई, मुस्कुरा रहे बैठे बैठे। ADR के आंकड़े हैं, डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेशन के आंकड़े हैं, सस्ता मैं आपको डेटा दे दूंगा जी। ADR के ADR मुझे पता है, वो तो समझे भाई पूछ रहे हैं। हां जी ठीक है, तो मेरा ये कहना है और उसके साथ इन्होंने 17-18 में आते ही सबसे पहला नियम क्या लगाया था, इलेक्ट्रल बॉन्ड के चंदे वसूलने का, जिसमें कि कोई 20,000 मिनिमम उसके ऊपर का चंदा RBI के माध्यम से बॉन्ड के थ्रू दे सकता था, उसको गोपनीय रखा जाता। सबसे ज्यादा कोविड के समय चंदा हासिल करने वाली पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। पूरे देश के 18 माने मतलब प्रावधानित राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा 68% चंदा भारतीय जनता पार्टी को कोविड के समय प्राप्त हुआ। अब ये आश्चर्यजनक नहीं है तो और क्या है? अच्छा, और उसके बाद ये टैक्स वसूल रहे जनता से जी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए जी। किसी की कमर इतनी नहीं तोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जो कंपनी राज के आपके मित्र है जी, जो आप एक शिष्टाचार के साथ केंद्रीकरण करना चाह रहे हैं अर्थव्यवस्था का, उससे उठ करके इनको आना चाहिए। दूसरी बात ये क्या करते हैं, चाहे कांग्रेस में चाहे समाजवादी पे, दोनों का जवाब दूंगा। ये कहते हैं परिवारवाद। शमशी आजाद बैठे हैं, जरा बता दें अमित शाह के बेटे किस स्टेडियम में क्रिकेट खेलते थे? बॉलर थे, बैट्समैन थे, विकेटर थे, कीपर थे, क्या थे? स्लिप पे खड़े रहते थे क्या? किस आधार पे उनके लिए BCCI के नियम बदले गए? शमशी आजाद थी, इसका भी जवाब देते। परिवारवाद की बात करते हैं, सुषमा स्वराज, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, चौधरी बीरेंद्र सिंह, मेनका गांधी, राम इंद्रजीत सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, पंकज सिंह, रामविलास पासवान, हरसिमरत कौर, विजय गोयल, जयंत सिन्हा, अनुप्रिया पटेल, नरसिंह तोमर और बड़ी लंबी लिस्ट है जी। और ये सब पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी राजनीतिक दलों की है, जितने नाम जो कि केंद्रीय अभी भी कार्यकाल में मोदी जी के मंत्रिमंडल में है। परिवारवाद की बात करते हैं, इस देश को जितना गुमराह भारतीय बड़े पदों की बात कर रहे हैं भाई, सरकार ने किया। बड़े पदों पे कौन बैठा है? जी वो तो बड़े पदों पे कौन बैठा है, वो तो अगर विधायक का बेटा विधायक बन गया तो वो तो परंपरा रहती भाई, राजनीति विरासत में मिली तो बनेगा। सरकार का तो परिवारवाद का सवाल तो नहीं उठा सकते ना, लेकिन व्यापारवाद पे सवाल उठे। राष्ट्रीय और प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, सरकारी संस्थाएं बेची जा रही है, वहां बदलाव नहीं होता। और आपके माध्यम से एक सवाल पूछूंगा जी, अमित शाह के सुपुत्र किस ग्राउंड में खेलते थे? बॉलर थे, कीपर थे, विकेट थे, विकेट लेते थे, क्या करते थे, वो जरा बता दीजिएगा। BCCI का अध्यक्ष बना दिया गया परिवारवाद की बात पूछने वाले, अध्यक्ष नहीं है, सचिव है भाई, सचिव है, सचिव है, सचिव बनाए गए, सचिव बनाए गए हैं दोबारा। जरा बता दे जी, इतने बड़े क्रिकेटर थे कि सौरव गांगुली को बाहर करवा दिया भाई। अरे सौरव गांगुली अध्यक्ष बने, रोजर बिन्नी दोबारा बन गए भाई। सौरव गांगुली अध्यक्ष थे BCCI के और उनकी जगह रोजर बिन्नी बने हैं, और जैसा जो सचिव थे दोबारा सचिव बने हैं, अध्यक्ष नहीं बने। लेकिन कानूनों में बदलाव तो किया गया ना जैसा को बनाए रखने के। अब वो समझी भाई बताएंगे, अब वो समझी भाई बताएंगे। खैर खैर
आप भी लगातार घटनाक्रम को देखते हैं और तमाम तरह की सरकारें और राजनीति आपने देखी है, कांग्रेस में खड़गे साहब को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते हैं, कैसे जिम्मेदारी का निर्वाह होगा, क्योंकि आप भी लगातार संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं और कांग्रेस की स्थिति भी लगभग लगभग ऐसी ही है, कैसे देखते हैं? मैं सबसे पहले गौरव भाई को और इस पैनल के जो हमारे मेहमान हैं जी सबको प्रणाम करता हूं। जी विवेक जी ने तो सारी चीजें आपको बता दी, अच्छा हम उसके आगे क्या बतावें, अच्छा, तो मगर हम कुछ चीजें हम बता दे रहे हैं। अच्छा खड़गे साहब जी ने जी को बधाई मैं देता हूं जी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे शब्दों में है जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि आपके चैनल के माध्यम से जी कि ये बताइए खड़गे साहब जी आज सोनिया गांधी जी के जी एक पहले जो है आपके आए क्या कहते हैं राजस्थान से जी मुख्यमंत्री साहब जी गहलोत साहब जी तो उनको तो बेइज्जत करके हटा दिया गया, आज वो विद्रोह में पड़े हुए हैं जी, विद्रोह का रास्ता पूरा बेइज्जत कहां से कर रहा है, वो तो खुद नामांकन वापस ले लिया अपना, भाई विद्रोह में नहीं भाई, विद्रोह में लिए पड़े हुए जी, जो नामांकन जब उनको इशारा नहीं मिलेगा अच्छा, सोनिया गांधी जी से जी, तो कैसे पर्चा भरेंगे? अच्छा ठीक है, पहली बात ठीक। दूसरी चीज कहने का मतलब हमारा यह है जी कि आप जो है उनको हटाया जी, इसके बाद थरूर साहब को भी हटा दिया, अच्छा मतलब हटा के एक जो है बहुत कमजोर दिल का आदमी हाँ, आपने उसको अध्यक्ष बना दिया। अच्छा कमजोर दिल के हैं लोग, बिल्कुल प्रदीप भाई बिल्कुल कमजोर दिल के हैं, क्यों उनको आपने अध्यक्ष बना दिया? सुनिए बताइए आज जो है सोनिया गांधी जी या राहुल जी या ये लोग जितने आप नेता है कांग्रेस के ये सब जो है सोनिया गांधी के हाथों से बिके हुए हैं। अच्छा उनके चमचागिरी करना सुबह शाम करना, अच्छा बिना उनके आदेश के एक काम भी नहीं करना, अच्छा सारे जितने फंड है जितने जो भी कुछ है सब काम करना जी, बिना उस 10 नंबर के से जी अंदर से जो बातें आएंगी जी वही जो है तो आपको कांग्रेस नहीं भाई, ये हायरार्की आम आदमी पार्टी में नहीं है क्या? केजरीवाल जी के बिना पूछे कोई काम हो जाता है, संजय सिंह के बिना पूछे काम हो जाता है, तो सिस्टम है तो पार्टियों का। नहीं सुनिए मैं बता रहा हूँ जी, उसी तरह जी बीजेपी भी है जी, बीजेपी भी जो है अच्छा यही काम करती है अच्छा, जैसे अभी विवेक जी ने बताया कि 2 सीटें ले आए जी, आज जो है मतलब आप लेके आए हो आज कै साल के अंदर जी 25-30 साल जी, के अंदर मतलब आप लेके आए हो आज पूर्ण बहुमत के जी पे हो जी, आज जो है आम आदमी पार्टी लिता पर्जाए, लिता पर्जाए, आम आदमी पार्टी जी आपका कोई काम नहीं कर रही है जी, यही कहते हैं गुम गुम रेवड़ी बांट रहे हैं, अच्छा रेवड़ी बांट रहे हैं बांट लेता पर्जाए भाई ने, आप ये बताइए जो सांसद है जी उसका पैसा आप बिजली का क्यों नहीं लेते हो जी, उसके रहन सहन का पैसा क्यों नहीं लेते हो जी, क्या मतलब है आपका जी, विधायक का पैसा आप लेते नहीं है जी, 1 रुपया नहीं लेते हैं जी, क्या मतलब है? तो भाई आज जो है केजरीवाल जी ने जो हमारे जो देश की जनता है वो टैक्स देती है उसका पैसा उन्होंने तुरंत वापस करते हैं कि भाई बिजली का जी, पानी का जी, इसका बुजुर्गों को कितने यूनिट वापस करते हैं? 300 यूनिट हम देते हैं, 300 यूनिट हम सबको वापस नहीं होता है कि जितनी यूनिट हम 300 यूनिट देते हैं उसमें पानी है 1000 मतलब 2000 लीटर, अच्छा इसके बाद 1000 रुपया है जी, 3000 रुपया बेरोजगार शिक्षा वालों को है, अच्छा जो कि उनको नौकरियां नहीं मिलती है तो 3000 रुपया तब तक दिया जाएगा, अच्छा ये सारी चीजें आज जो केजरीवाल जी ने किया वहां पे, अच्छा तो आज जो है बीजेपी पूरी तरह से भड़क चुकी है, अच्छा पूरी तरह से। आज आप देखिए गुजरात में क्या है, अच्छा भाई चुनाव आयोग आया जी टीवी पे बोलने लगा कि भाई आपका गुजरात का और हिमाचल का चुनाव दोनों होने वाला है, अच्छा गुजरात का डिक्लेयर कर दिया जी, इसके बाद जो है आप अरे हिमाचल का डिक्लेयर कर दिया आज जो है गुजरात का डिक्लेयर नहीं किया जी, क्या मतलब है? अच्छा मोदी जी पूरी तरह से डर चुके हैं, अच्छा डर चुके हैं समझे बताएंगे, डर नहीं डर उनको इतना आंधी आ रही है, अच्छा कि वहां पर चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं। आज देख लीजिए दिल्ली बागोबर दे रहे हैं क्या हमारी पार्टी को दिल्ली में? अरे हमारी पार्टी को बागोबर दे रहे हैं क्या गुजरात में? नहीं बागोबर दे रहा हूँ
अच्छा, आप दिल्ली में देख लीजिए जी, नगर निगम का चुनाव है जी, आज कई मतलब साल भर लगभग होने जा रहा है, उसका चुनाव आज भी पड़ा हुआ है जी, नहीं करा रहे। अच्छा, हर तरह से केजरीवाल को केवल घेरने का काम जी मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहे उनके जी, पास ठीक है, केवल यही काम रह गया है जी, कि मोदी मतलब कैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल। अच्छा, अच्छा ठीक है, आपने खड़गे साहब को बता दिया, कमजोर हृदय के प्राणी है मोदी साहब, डर गए हैं। आम आदमी पार्टी बताइए, आम आदमी पार्टी कैसी है भाई? आम आदमी पार्टी आज की तारीख में मतलब बताइए, दिल्ली में सरकार बनाई जी, पंजाब में बनाई जी, कई साल की सरकार है जी, 12 साल की सरकार है जी, 12 साल में 2 जगह आपने दिया उसको, अच्छा जनता ने उसको दिया जी कि नहीं दिया? ठीक है ठीक है ठीक है। और इसके बाद आज गुजरात की ये स्थिति है कि आज हम जीतने की स्थिति में है। ठीक है ठीक है, आप जो सारी भूमिका बना के वो पढ़ना बताएंगे, जब किस तरह से आप जो है जी, मतलब वो करेंगे आप। ठीक है ठीक है, हमारे अजय श्रीवास्तव भाई जुड़े हुए। अजय भाई, बड़ा लंबा विश्लेषण है क्योंकि यहाँ पर मुद्दा बड़ा अहम है, और यहाँ पर खैर मुद्दा तो यहाँ पर खड़गे साहब का था, खैर यहाँ पर तो खैर अपना मुआ मी मिट्टू बनना, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करना, ये तो खैर भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था हो गई। कैसे देखते हैं इसको आप? गौरव भाई, इसको देखिए मैं बताऊँ आपको जी, के ये जो 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं जी, 50 वर्ष का इनके पास अनुभव है जी, ये निश्चित तौर पे जैसे प्रदीप जी ने कहा कि हम थोड़ा जी अपने संकट से बाहर निकलेंगे, संगठन के संकट से बाहर निकलेंगे जी, इनको एक संजीवनी मिली थी बिहार से। अच्छा, और ये जो पॉलिटिकल ड्रामा में कांग्रेस पड़ी है जी, वहीं से इनको संजीवनी मिली जी। अभी आज भी देखेंगे आप तो जनता के मुद्दों पर चुनाव और इस चीज़ों का विश्लेषण नहीं हो रहा है जी, ये जातिगत खेल हो रहा है यहाँ जी, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जाति के आधार पर कितना वोट कहाँ से निकाला जा सकता है जी, उसके आधार से अध्यक्ष का चुनाव जी, उसके आधार पर चीज़ों का चुनाव हो रहा है। जनता के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, इससे किसी को कोई मतलब नहीं जी, बिल्कुल 2024 का चुनाव इनको ध्यान में है, ये सत्य है जी, राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, वो भी ठीक बात है जी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से ज्यादा जरूरी था कि महंगाई पर बवाल करते हैं लोग जी, बेरोजगारी पर बवाल करते, अभी देखिए इतना बड़ा मुद्दा था जी, 37 लाख लोगों ने इम्तिहान किस तरह से दिया जी, बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा था, किसी आदमी के कान पे जू नहीं रेंग जी, बिल्कुल खुद नहीं गया ना, और ये खुद पेपर नहीं दिया कभी जी, 37 लाख में से 27% लोगों ने परीक्षा छोड़ी जी, और की कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज पर बोलने को तैयार नहीं है, और ये सारे 37 लाख सारे के सारे वोटर हैं जी, लेकिन चुनाव कहाँ जा रहा है जी, दलित को अध्यक्ष बनाओ जी, दलित को ये प्रदेश अध्यक्ष बनाओ, दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ जी, और हम जिस ट्रामा में पड़े हैं जी, उस ट्रामा से बाहर निकले, मतलब कांग्रेस जिस ट्रामा में पड़ी है वहाँ ऑक्सीजन ढूंढ रही है जी, और ऑक्सीजन इनको कहाँ दिख रहा है? दलित में, दलित में, ये नहीं दिख रहा है कि देश में महंगाई कहाँ जा रही है जी, देश में बेरोजगारी कहाँ जा रही है जी, देश में जनता कितनी त्रस्त है जी, बिल्कुल देश में आम आदमी कितना त्रस्त है जी, लड़ाई वो लड़ाई जाएगी जब सड़क पर जी, तब इनको वोट बैंक नसीब होगा जी, आज ये वोट बैंक की राजनीति में जातिगत समीकरण का खेल जो चलाया जा रहा है जी, ये ठीक है कांग्रेस के लिए, अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि बिहार से जो संजीवनी मिली है जी नीतीश कुमार के जरिए जी, वो उसी को 2024 में भुनाना चाहते हैं जी, लेकिन ये बड़ा प्रयास नहीं है जी, ये केवल बस इतना ही बधाई के पात्र हैं कि अपने संगठन पर थोड़ा ध्यान देंगे जी, चुनाव के मुद्दे पर मेरे ख्याल से ये मतलब मैं अपना जो विश्लेषण है आसान ही पड़ेगा, यही है कि बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ठीक है, प्रदीप भाई आपने सबकी बात सुनी, आप थोड़ा जवाब दीजिए अपना, देवी भाई भी बोले थे, नरेंद्र भाई तो बिल्कुल बोल रहे कि कमजोर दिल के व्यक्ति को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जब मित्र बोल रहे थे तब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था जी, मैं उनकी बातों को सुन नहीं पाया, वो भी अच्छे ही बोले थे आपके लिए, मैं बोलेंगे भाई हाँ जी, नहीं मैं सुन नहीं पाया उन्होंने क्या कहा, क्या दोबारा बोलवा रहे हैं, दोबारा बोल देंगे, कोई नहीं, नहीं, मैं अभी जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी जब बोल रहे थे तभी मेरी लाइन फिर से कनेक्ट हुई है जी, और वो बड़ी बड़ी तारीफें करने पड़े हुए थे अरविंद केजरीवाल की, और बता रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बड़े कमजोर दिल के कांग्रेस के लिए कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, तो वो जब देखते है ना उनको उनकी नजर में अनुभव कोई मायने नहीं रखता है जी, उनकी नजर में मायने रखते हैं झूठे छलावे वादे। अच्छा, दिल्ली के यही मुख्यमंत्री जी जब संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे थे अन्ना के साथ में जी, तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी जी मैं जन लोकपाल बिल ले आऊंगा जी, भूल गए जन लोकपाल, कहां गया वो जन लोकपाल आज पता नहीं है जी, इन्हीं की पार्टी का जो संविधान है, इन्हीं की पार्टी का संविधान कहता है कि एक
व्यक्ति दो पदों पे नहीं हो सकता है जी। और कितने सालों से अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयोजक बने हुए हैं, मुख्यमंत्री भी हैं जी। भाई क्यों नहीं ला जाते हैं प्रवक्ता महोदय जी जाकर के चुनाव वहां पर जी बन जाए संयोजक? नहीं बन सकते हैं जी। वहां पे अगर अरविंद केजरीवाल नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। पंजाब में एक कठपुतली बैठा दिया इन्होंने, अच्छा ऊपर से उसकी देखरेख करके, देखरेख करने के लिए वहां राघव चड्ढा को भेज दिया। अच्छा आज क्या पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी हैसियत ऐसी कोई रखते हैं कि कोई डिसीजन ले सके? नहीं ले सकते जी। एक जब जब भी उनको कुछ भी पूछना होगा तो सीधे दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाई जाएगी और वहां से जो आदेश होगा वैसा किया जाएगा। तो ये दूसरों के ऊपर जब उंगली आप एक उठाते हो तो चार उंगलियां आपकी तरफ ही हो जाती हैं। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा कि आपके पार्टी का ही जो संविधान है आप उसका पालन क्यों नहीं कर रहे हैं जी। पालन करवाइए अरविंद केजरीवाल जी से जी। जी बिल्कुल जी प्रदीप भाई जी, की जी, जन लोकपाल लागू करें जी। क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? दिल्ली की जनता के लिए कम से कम लागू कर दें जी। नहीं लागू कर पाएंगे जी। रही बात मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, जो बात कर रहे थे वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो ये समय बताएगा कि उनके नेतृत्व में हम विषम परिस्थितियों में हैं, हम कहीं ट्रॉमा में नहीं है। राजनीति में परिस्थितियां जो है हमेशा चेंज होती रहती हैं जी। कभी ये नहीं होता है कि आप एक समान रूप से राजनीति में चलते रहें जी। आज राजनीति में आपकी सीटें कम आ रही, कल ज्यादा हो सकती हैं जी। ये जैसे पिछले जी तो लोगों को गुमराह करने का काम किया है जी, गुमराह करके झूठे वादे करके लोगों से वोट लेने का काम किया है जी। उस झूठे वादों के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 सुनिए आज जो है वहाँ पे बीजेपी सरकार बैठी हुई है, तो आज तक मान्यता तो आपने दिया नहीं। दिल्ली बीजेपी सरकार का दिया नहीं, क्या करेंगे? आप कैसे लोकपाल बिल लाओगे? आप जो है बीजेपी जो वहाँ पे बैठी हुई है कोई सपोर्ट नहीं है। पंजाब में ले आइए, प्रधानमंत्री जी को इस विषय में सोचना चाहिए। इस तरीके से लगातार सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है और अपनी नाकामियों को आपने क्या किया? आपने काम क्या किया? महिलाओं को आपने कपड़ा बड़ा जिंदे हाँ किया, उजाला योजना का सिलेंडर दे दिया, पानी अरे 1100 रुपया सिलेंडर, 1150 रुपया बीजेपी ने दिया, 400 वाली गैस जो मिलती थी उसको 1000 से ऊपर बढ़ाने का काम किया आपने। तो आप महंगाई से इस देश की जनता को मार रहे हैं, बेरोजगारी से इस देश की जनता को मार रहे हैं, इस पर कोई जवाब नहीं होगा। अभी आप कह रहे थे कांग्रेस पार्टी लड़ाई, अरे आपको नहीं बोलना, बीजेपी को बोलना भाई, 700 पे आकर के लड़ाई लड़ी है, बेरोजगारी की लड़ाई लड़नी हुई तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, महिलाओं का अपमान हो रहा था जब महिलाओं का चीरहरण किया जा रहा था तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी, सड़कों पे उतरी। जब इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो गृह राज्य मंत्री उनके बेटे के द्वारा किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई जा रही थी, तो हमारी नेता प्रियंका गांधी की सड़कों पर लड़ाई लड़ रही थी, तो आप कहीं से ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी बेरोजगार की लड़ाई लड़ती है, किसानों की, कांग्रेस पार्टी हर बेरोजगार की, महिला की, सम्मान की लड़ाई लड़ती है और आगे भी लड़ती रहेगी। बस ये बता रहे हैं कि भैया हमने ये कर दिया 50 सालों में, क्या कर दिया बताइए ना, कि ये काम कर दिया जी आपने? अरे भाई आप जब देखेंगे क्या देखेंगे बताइए ना, आप बताइए क्या देखेंगे, आप बताइए क्या देखेंगे सर, आप बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि आप जो है आज पेट्रोल का 100 रुपया लीटर मिल रहा है, आप भी प्रदर्शन करिए ना, आप जगह मिल रहा है। ठीक है, हो गया हो गया, हो गया 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 नहीं भाई, हो गया हो गया। समझी भाई के लड़ समझी भाई, समझी भाई, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि हमारी पार्टी ही जो बता कमजोर बताती चली जा रही है,
बीजेपी की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर। नहीं, हम तो जानते हैं भाई, मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस पार्टी एक डूबा हुआ जहाज है। अच्छा। तो आम आदमी पार्टी का कोई भी राजनीतिक दल है तो वो अच्छी तरीके से समझ जाए, कांग्रेस के पास इस वक्त संगठन, कांग्रेस के पास इस वक्त संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा। कांग्रेस का संगठन जब सेवा, हमारा बहुत बढ़िया है, आपको नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बताइए। कांग्रेस का संगठन जब सेवा दल हुआ करता था उस वक्त कांग्रेस का संगठन हुआ करता था, लेकिन सेवा दल की समाप्ति के बाद और बीच में उन्होंने छात्रों का और युवा मोर्चे का जो चुनाव कराया था, जिसमें धन का और शक्ति प्रदर्शन किया गया, बाहुबली लोग जीत कर आए, उसके बाद ही से कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। उसके बाद इन्होंने लल्लू राम को बनाया यहाँ पर, तो वैसे ही लल्लू राम थे और उन्होंने वैसे ही प्रदर्शन किया। अब उसके बाद ब्रिज खाबली जी उत्तर प्रदेश में एक प्रदेश अध्यक्ष बनाकर लाए गए, तो उनका भी उत्तर प्रदेश में कहीं कोई वोट बैंक नहीं, कोई बहुत अच्छी छवि उनकी नहीं है, न नेता के तौर पर, ना बहुत बड़े वो वक्ता है, ना बहुत बड़े स्पीकर है, ना बहुत बड़ा उनके साथ। क्या सोच के बना दिया? नहीं बना दिया, सिर्फ ये कि एक दलित समाज का नाम लाके दलित, बस वो दलित कार्ड खेला है, लेकिन वो भी फ्लॉप हो गया। रह जाती है बात प्रियंका गांधी की, राहुल गांधी की, तो जब चुनाव आता है तब इनको उत्तर प्रदेश दिखाई देता है, तब बिहार दिखाई देता है, तब 3 महीने पहले आती है, उसके बाद लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने के बाद, चुनाव होने के बाद आप बताइए कि राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में कोई दौरा हुआ हो? अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में आज महिलाएं सुरक्षित हैं, आज उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं हो रहा है। स्कूटी देने की बात की थी, इसका मतलब है कि, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी भूल जाते हैं। नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर सुरक्षित नहीं तो आपके नेताओं को चाहिए कि प्रदर्शन करें। अरे कह तो रहे हैं आप लोग, आपके नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई आपको आना चाहिए ना, कहाँ चले गए प्रियंका गांधी? आप बता दें कि आज प्रियंका गांधी कहाँ पर हैं, आप खुद बता दीजिए। सम्मान की बात करते हैं इस तरीके से, देखिए चिल्ला कर कोई बात आप मनवा नहीं सकते। प्रदीप भाई, प्रदीप भाई, आप आपसे तेज आवाज में बोल सकते हैं, बोले जी। मैं आपसे तेज आवाज में अग्रेसिव होकर बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक सार्थक डिबेट हो रही है, तो आप उसी तरीके से बयान दें। आप आज खुद बताएं कि क्या चुनाव होने के बाद से कितना समय हो गया, कोई प्रियंका गांधी का दौरा लगा हो कि उन्होंने कहा हो कि भाई एक बार फिर किसी दलित के घर गई हो, फिर महिलाओं के साथ आप बता रहे हैं कि अपराध हो रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, तो क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी अब राष्ट्रीय नेता है? उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ने चली आई थी? उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों लड़ने चली आई थी? अंदर खाने की खबर तो ये है कि उन्होंने प्रभारी बनने से भी मना कर दिया उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनने से इनकार कर दिया प्रियंका जी ने, और अभी तक वो प्रियंका बाढ़ा भी नहीं हो पाई है, उससे गांधी परिवार से बात भी नहीं हो पाई है। तो इस तरीके का बयान उनका होता है। प्रदीप भाई कुछ बोल रहे हैं? प्रदीप भाई, प्रदीप भाई, जोड़ने का काम कर रहे हैं। भरपूर बार बोल रहे हैं, मैं बातें कह रहा हूँ उसको तो आप सुन लीजिए। प्रियंका गांधी को चाहिए था ना कि उत्तर प्रदेश में दोबारा से आती, महिलाओं के साथ बैठती, धरना देती, प्रदर्शन देती, जैसा चुनाव के वक्त उन्होंने किया था, इलाहाबाद भागी जा रही थी, मिर्जापुर भागी जा रही थी, हाथरस चली जा रही थी। अब क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घटना नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और अगर हो रही है तो प्रियंका गांधी मौन क्यों है? कांग्रेस पार्टी मौन क्यों है? क्यों नहीं यहाँ पर धरना कर प्रदर्शन कर रही? उनके नेता लोगों को जलाने का काम करते हैं। भारत जोड़ो का जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी उत्तर प्रदेश के साथी लोग नहीं, बेटी का कल बलात्कार हो गया लखनऊ में। अरे तो नेता आपके कहाँ है? कहाँ है नेता? नेता को आना चाहिए ना, वीआईपी एरिया आपके नेताओं को चाहिए ना कि उत्तर प्रदेश में आए। आप बताइए सरकार ट्वीट करके और उससे बयान दे देते हो गया, सोशल मीडिया के माध्यम से बयान देकर रक्षा की जिम्मेदारी है, बताइए। ठीक है, आप लोग इसका मतलब है कि पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आप जो है दिल से हृदय से पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, अगर आप अपनी पार्टी की कमियों को नहीं देख रहे हैं। आपको कहना चाहिए कि प्रियंका गांधी को दौरा करना चाहिए उत्तर प्रदेश का, राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश का दौरा करना चाहिए। बड़ी यहाँ पर जो है 80 सीटों का चुनाव करते रहे, यात्रा करते रहे भाई, 1000 किलोमीटर की यात्रा कर ली। अरे 1000 किलोमीटर की यात्रा कहिए ना, गुजरात छोड़ के उत्तर प्रदेश का दौरा करें। प्रधानमंत्री जी तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 23 तारीख को फिर से अयोध्या में आ रहे हैं, 23 तारीख को फिर से अयोध्या में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री तो हमारा जितनी बार उत्तर प्रदेश का दौरा किया गुजरात नहीं गए होंगे वो। जी, देश के प्रधानमंत्री है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है? जी, गुजरात के दौरे पे अभी बुनियाद बात घोषणा क्यों नहीं करी जा रही भाई? जी, गुजरात की चलिए, ठीक है ठीक है, आपके बुनियाद बात इसका कुछ जवाब नहीं। हो गया हो गया हो गया, अभी जरूरी है भाई अपनी बात पूरी करिए और मेहमान को देता हूँ। दीपे भाई देखिए, मुझे लगता है थोड़ा सा ध्यानपूर्वक मैंने सबको सुना, मेरे बीच में कोई इंटरप्ट न करे, कोई नहीं बलात्कार जैसी घटनाओं पे
राजनीतिक दल के प्रवक्ता बैठ करके अगर इस तरह से अति उत्साहित होकर इसका राजनीतिकरण करेंगे तो मुझे लगता है इससे असंवेदनशील कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी डिबेट जो है लाइव जा रही है और शमसी आजादी आपको शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी नहीं दिखी तो स्मृति गांधी भी नहीं दिखी जो छाती पीट पीट कर मोदी जी की माता जी के लिए मंच से चिल्ला रही थी। यहाँ पे निर्भया जैसा कांड हो जाता है, लखनऊ विभूति खंड में राजधानी में कांड हो जाता है, उसके अगले दिन लोहिया में कांड हो जाता है। राजनीति करने का मौका नहीं मिला ना, आपने गिरफ्तार कर लिया अपराधी को, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया तो आपको राजनीति करने का मौका नहीं मिला। पुलिस अगर नहीं हो रही है तो आपको काम करने की जरूरत है, पुलिस की संस्था में सुधार करने की जरूरत है। बदतमीजों की तरफ बोलो मत, पहले सुन लो जी। अगर ये बीच में बोलेंगे इतनी असंवेदनशीलता, बिल्किस बानो जैसी एक पीड़िता के बलात्कारियों को छोड़ने के बाद इस तरह की मानसिकता जी, विपक्षी नेताओं को आप बोल रहे हैं कि आकर के प्रदर्शन करिए सड़क पे जी, आप क्या कर रहे हैं? सरकार किसकी है भाई? उत्तर प्रदेश में अगर महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। अगर संस्था में कहीं कमी है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की बॉर्डर स्कीम हटाइए ना। इतने दिन से हम चिल्ला रहे हैं इसी डिबेट में, इसी चैनल पे हमने कितनी बार सुझाव दिया, आपकी सरकार सुनती क्यों नहीं भाई जी? केवल अधिकारियों के भ्रष्टाचार को संरक्षित पोषित करने के लिए आपने निचले स्तर के कर्मचारी जो फील्ड में रहते हैं उनको आपने केवल शोषण अवसाद का शिकार बना रखा, वो कैसे सुरक्षा देंगे? एक पुलिसकर्मी के ऊपर 832 कम से कम सामान्य नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व होता है जी। और हम राजनीतिक दलों के प्रवक्ता यहाँ बैठ करके इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। उस परिवार की सोचिए, उस परिवार की क्या स्थिति होगी जी? उस बच्ची की सोचिए जिसके गाजियाबाद में निर्भया पार्ट टू जैसा कांड हो गया, जिसके साथ जी। उसी हालत में पाई गई वो जी। मतलब राजनीतिक वर्चस्व इस तरीके से हमको एक दूसरे के ऊपर हावी कर रहा है जी। बिल्कुल ठीक है, जवाब लेता हूं, मतलब आप अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत संवेदनशील मामला है, इसमें सुधार की जरूरत है। इसमें ना योगी जी की गलती है, ना पूर्ववर्ती सरकारों की, ना इसमें कांग्रेस कुछ करेगी। इसमें जिम्मेदार अधिकारी जो कि पुलिस विभाग में सुधार नहीं कर रहे, जो पुलिस सुधार की आवश्यकता है, नहीं लागू कर रहे, ये उनकी गलती है। ठीक है ठीक है, करिए ना कार्रवाई। मैं सुझाव दे रहा हूँ आपको शमसी भाई। ठीक है, जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं, जवाब समझो जवाब। विवेक पांडे जी, आप बात तो कर रहे मगर आप इतने आवेश में होकर बात कर रहे, इससे यही पता चलता है कि सत्ता जाने के बाद आप बीच में तो पड़े। मैंने पहले निवेदन सबको सुन रहा हूं, जिस तरीके से बात नहीं, आप राजनीति करिए। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, किसी बच्ची की मर्यादा का सम्मान कर रहा हूँ। मैं यही सवाल आपसे करूं कि क्या कोई नेता आपका गया उनकी संवेदना के लिए? आप चुप हो जाएंगे, आप कहेंगे लिए अब राजनीति करने लगे। तो अगर जब आपका पार्टी, मेरा लाइव आपकी पार्टी विपक्ष में है, खुद मुंबई में बैठा हूँ जी, आपकी तो सरकार है, आप वहाँ पे क्या मक्खी मारने बैठे हैं? हमने तो भाई अपराधियों को निकल पकड़ लिया, केंद्र सरकार के आपके नेताओं को राजनीति करने का मौका नहीं मिला, जैसा हाथरस सारण दिल्ली दंगों में आपकी भूमिका पाई गई। दिल्ली दंगों में सिटीजन कमेटी की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेताओं की भूमिका संदिग्ध पाई गई। अच्छा, गृह मंत्रालय की भूमिका संदिग्ध पाई गई। अभी आप बात करेंगे, मैं चुपचाप हूं। किस बानों के बलात्कारियों को घटनाओं पे मखौल उड़ाएंगे ये मान्य नहीं है। मैं ऐसी डिबेट का बहिष्कार कर दूंगा, लेकिन ये तो देखिए आजकल कल्चर चल रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जब जवाब भागने की क्या जरूरत है? लेकिन इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने से आपको बचने की जरूरत है। ठीक है, जवाब मुख्यमंत्री ने कल ही बयान दिया कि इस तरीके की अगर कोई हरकत करेगा तो उसको कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा, उसके पूरे परिवार को सजा दी जाएगी। अगर उसके परिवार का कोई भी आदमी उसको सजा बयान से क्या घटनाएं रुक गई? बयान से क्या घटनाएं रुक गई? तीन जगह ने घटनाएं बयान दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बयान से क्या घटना रुक गई? और अगर खामोश रहते तो आप कहते हैं कि आपके नेता बोलते नहीं है। बयान तो आपने ये भी दिया कि उत्तर प्रदेश में 12 बजे महिलाएं बच्चियां गहने लाद के निकल सकती है। मैं मीडिया भाई से पूछता हूँ, अपने बताइए मीडिया कर्मियों, उत्तर प्रदेश की कौन सी गली है जिसमें 12 बजे महिलाएं कपड़े पहन करके गहने लाद करके निकले और घर में वापस सुरक्षित आ जाए? मैं कह रहा हूँ, बताइए कौन सी? मैं कह रहा हूँ गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक की कोई महिला बता दे कि जिसके साथ छिनैती हो गई, जिसके घर में डकैती हो गई, आप बताएं की बात है। पूर्वांचल का वो एरिया, पूर्वांचल का वो एरिया जहाँ महिलाएं यात्रा नहीं कर पाती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार में अगर महिलाएं रात में यात्रा करने जाती थी तो परिवार के लोग मना कर देते थे। आज बता दीजिए कैसी कोई घटना हो रही है?
ये क्या, ये कौन सी पार्टी का प्रयास कर रहे हो? आप कह रहे हैं कि 2 बजे रात में 12 बजे रात में पूरी राजधानी जाकर चकमकाती रहती है, कौन कपड़ों में वापस आ जाए बहुत है जी। आप बात कह रहे हैं कि उनको 2 किलोमीटर निर्वस्त्र अवस्था में एक बलात्कार की शिकार बच्ची अपने घर तक गई है। कयासी कयासबाजी नहीं लगाया, आप बताए ना कोई घटना हुई हो? फिरोजाबाद की घटना भूल गए, चलिए मैं बताता हूँ। फिरोजाबाद की घटना क्या थी? निर्वस्त्र अवस्था में बच्ची बलात्कार के बाद 2 किलोमीटर अपने घर तक गई थी और इसी मीडिया ने रिकॉर्ड किया था। मंच पे बैठे एंकर है, पूछ लीजिए इनसे। विभूति खंड में जो घटना घटी उसके अगले ही दिन लोहिया पार्क में घटना घटती है और आज गाजियाबाद में बच्ची जो मिली है, अपराधी पकड़े गए, गुप्त अंग में लौट पाई। आपकी सरकार में जो थाने से अपराधियों को छुड़ा लिया जाता था, थाना अध्यक्ष को मार दिया जाता था, आप अपनी सरकार भूल जाते हैं। हमने अगर तुरंत एक्शन लेके अपराधियों को पकड़ा, एक ऑटो ड्राइवर ब्लाइंड केस था, एक ऑटो ड्राइवर को पकड़ने के लिए 1000 से ज्यादा ऑटो ड्राइवरों की पड़ताल की गई, उससे पूछताछ की गई, उनको हिरासत में लेने के बाद अपराधी पकड़े गए और आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार हो रही है? आपने आपने जो एक ऑटो ड्राइवर जो ब्लाइंड केस था, बिल्कुल हो नहीं सकता था, लेकिन 2 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी सरकार ने गिरफ्तार किया। अगर राजनीति करेंगे शमशी भाई, माफ कीजिएगा, इस चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप राजनीति करें, आप अगर किसी के घर की इज्जत टूट जाए तो आप उस पर राजनीति करें। हम अगर अपराधियों को पकड़ने की बात करें तो स्मृति ईरानी के पैर में क्या चोट लग गई क्या? स्मृति ईरानी के पैरों में मोच है क्या? स्मृति ईरानी ऐसे तो हर जगह खड़ी हो जाती थी जब विपक्ष में थी, साथ अगर गलत हो जाता है तो आप राजनीति करते हैं, दिखाई भी नहीं देती किसी मुद्दे पे उत्तर प्रदेश के जी। अरे आप विवेक जी अभी कह रहे थे कि ऐसी घटना पे मैं उत्साहित नहीं, मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि इस प्रदेश में, इस प्रदेश की राजधानी में ऐसी जघन्य घटना घट जाती है। ये क्रोध है ना कि आप जो उत्साहित होकर के, आपने उसको दूसरे ढंग से देखा इसलिए आपको शायद वो उत्साह नजर आ रहा हो। आपने प्रजापति को पैदा किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती है तो कुलदीप सेंगर को पैदा करती है। आपको किसी भी प्रकार की आप लोगों में नैतिकता नहीं है, क्योंकि आज जब कैसी प्रसाद प्रजापति के ऊपर आरोप लगे तो आप लोग उनके समर्थन में खड़े होकर के उनकी पैरवी कर रहे थे। कुलदीप सेंगर पे लगे तो कुलदीप सेंगर की पैरवी करने के लिए सांसद साक्षी महाराज को भेज दिया जाता था। तो ये लोग किस मुंह से बात करते हैं महिला सुरक्षा की, महिला के सम्मान की? गुजरात की घटना को आपको मैं बता देता हूँ, महिला का बलात्कार हो जाता है, उसके बलात्कारियों को जब छोड़ा जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, उनका माल्यार्पण करके स्वागत करने का काम करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र है। अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि बड़ी शर्म आ रही है समाजवादी पार्टी को भी, तो समाजवादी पार्टी को शर्म नहीं आई जब गायत्री प्रसाद प्रजापति ने इतना जघन्य अपराध किया? क्या अखिलेश यादव जी ने आकर के राहुल गांधी का एक किया कि हमारे पार्टी का मामला है अमेठी का? राहुल गांधी का एक मामला अमेठी का है, वो मामला याद है कि याद दिलाऊं तो नहीं? राजस्थान में जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में बच्चियों की लगातार बलात्कार किया गया था, क्या कहे यहाँ पर सभी की स्थिति घटना अचानक होते कार्रवाई होनी जरूरी है? नहीं नहीं, सुकन्या याद है कि सुकन्या को भूल गया जी? सुकन्या याद है, सुकन्या का परिवार कहाँ है चलिए बताइए, सुकन्या का परिवार कहाँ है पूछिए, मैं भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछता हूँ चलिए बताइए जी। राजस्थान के कॉन्वेंट स्कूल का वो मामला याद है जिसमें वीआईपी प्रोफाइल की बच्चियों का पूरा एमएलएस बना के 100 से अधिक लड़कियों का शोषण किया गया और कांग्रेस की सरकार थी, साझा रूप बन गया था। आप बता दीजिए, बात करेंगे चाल चरित्र चेहरे की। आज कांग्रेस उस हाशिए पे केवल अपने कुकर्मों के कारण खड़ी है, अपने कुकर्मों के कारण केवल कांग्रेस इस हाशिए पे खड़ी है। गणपति महाराज ने इसी आशीर्वाद दे दिया था आपको ड्राफ्ट के रूप में, आपने साथ में चुनाव लड़ा और आपको कर्मी बता रहे हैं, उसको बड़ी अजीब विडंबना है आप लोगों। अरे तो इन्हीं के साथ तो आपने रातों रात इलेक्ट्रोल बिल का चंदा भी पास कर दिया लीजिए, आपने इन्हीं कांग्रेस के साथ मिल करके जिसको समाप्त करने की कसम खाते हैं, भाजपा ने मिलकर इलेक्ट्रोल बिल का चंदा भी पास कर दिया था। आप भूल गए क्या मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा जो कानून था भाजपा ने कांग्रेस के साथ रातों रात पास कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट की चाबुक चलनी शुरू हुई? क्या बात करेंगे शमशी भाई, आप कौन सी परिपाटी बताएंगे? बताइए उसको जिसको राजनीति का ज्ञान ना हो, आप परिपक्व बयान मेरे सामने मत दिया कीजिए। दोनों लोग, आपने भी तो अभी उपचुनाव हुआ था, समर्थन किया था समाजवादी पार्टी का, भूल गए आप जी? विवेक तिवारी ने किया था और आपने उनका समर्थन लिया था जी। ठीक है ठीक है, कांग्रेस
और जो है बीजेपी, हाँ। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा। आज से नहीं, शुरू से। बहुत समय पर मान पड़ी है समझ भाई, दोनों थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज राहुल गांधी जी वायनेट चले गए चुनाव लड़ने, यहाँ से स्मृति ईरानी से हार गए, और स्मृति ईरानी जब जीत गई तो आज तक वहाँ पे दिखाई नहीं दी। अच्छा। ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना राहुल गांधी। अच्छा। एक भी दिखाई नहीं दिए अमेठी में, उस साइड में कोई दिखाई नहीं दिया जी। तो आप ये बताइए कि थाली के चट्टे बट्टे दोनों एक है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आज के तारीख में गौरव जी आपसे अरे अरे हम तो नरेंद्र भाई की बात का समर्थन कर रहे हैं भाई, भूले आप बोल रहे हैं वायरस। सुनिए मैं बता, आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो क्या कहे थे कि मैं आपको स्कूटी दे दूंगा, आपको लैपटॉप दे दूंगा, आपका बिजली जो है हाफ हो जाएगी, ये सब उन्होंने वादा किया था। एक भी वादा बता दीजिए, हमारा तो अभी 6 महीना हुआ। आज यहाँ पे कितने महीने हो गए, आज एक भी वादा पूरा किए? बताइए हमको भैया, यहाँ पर आपकी बात पर प्रदीप भाई और समझी भाई दोनों नाराज हो गए। प्रदीप भाई तुमसे नाराज हो गए, बोल रहे हैं आप समर्थन कर रहे हैं भैया, आप तो नरेंद्र भाई की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं चट्टे बट्टे हैं जी। नहीं जी, आप बताइए थाली के एक चट्टे बट्टे दोनों हैं? ये कुछ भी कह सकते हैं, ये बैठे हुए इनको ये कह सकते हैं, मगर मुझे आप नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो नरेंद्र भाई की बात दोहरा रहा हूँ भाई। मैं बता दूं, मैं जो कह रहा हूँ आपको सही बात कह रहा हूँ दादा जी। मैं आपको कहीं, आप बताए कि आपकी बातों में हमने कहीं काटा जी? हमने आपको जो भी बोला, के सामने नहीं हूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा बोल कौन रहा है। नरेंद्र भाई बोल रहे हैं हमारी पार्टी से, श्रीवास्तव जी। हाँ जी जी, हमारी पार्टी से ये बोल सकते हैं भाई। देखिए विदेश में गया, अरे भाई सबसे अरे बारी बारी बोले और मंत्री जो है वो जेल में है आज, और एक मंत्री जो इनके हैं दूसरे वो भी जेल में जाने वाले हैं। भाई साहब घोटाला किया है, आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते हैं? मेरी बात की बड़ी बड़ी बातें करने वाले, जेल में तो आप भी गए हो, जेल में कांग्रेस भी गया है, जेल में आप बता दीजिए ना। अरे भाई आपने क्या किया? अरे बता दीजिए ना भाई, वो नैतिकता का आपने सोनिया गांधी को क्यों बुलाया? अरे राहुल गांधी का पार्ट तो आप ही बुलाया, बताइए ना आपको ना, बीजेपी सरकार को सवाल अगर मेरा पहुँच ना पा रहा हो तो पहुँचा दीजिए कि बता दे कि इनके ही पार्टी का संविधान है कि एक पद संविधान है कि नहीं, आपको पद पे नहीं रह सकता, कैसे है वो? मालूम है कि नहीं संविधान, अपनी पार्टी का संविधान मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे मुझे मालूम है, आप बता दीजिए ना, हमके मालूम है। केजरीवाल कैसे तो पदों पे हैं, कैसे बैठे भाई? बता दीजिए, मौका दीजिए गौरव जी, बता दीजिए। हो गया गौरव भाई, आवाज पूरी साफ बता दीजिए, चले ये हो गया समय कम है। मैं बता दूं जल्दी बोलिए, यही मोदी जी का अभी जो है टेस्ट डिटेक्टर से मतलब पूरा लाइफ आएगा जी, पूरा लाइफ हाई कोर्ट से ने पूरा फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट पूरा लाइफ दिखाया जाएगा कि नोटबंदी भाजपा बोलता है वो उतने बड़े पद पे होता है जी, भाजपा में जो जितना बड़ा झूठ बोलता है वो उतने बड़े पद पे होता है। जैसे जेपी नड्डा जी एम्स का चुके थे, पंचायत में काम पूरा हो चुका था। विवेक पांडे जी, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, बात इनकी हो रही है, आप जो है भारतीय जनता पार्टी को लपेट रहे हैं, आप हमारे यहाँ होता है जितना बड़ा अपराधी होता है, जितना बड़ा बलात्कारी होता है, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होता है, उसको जो है समाजवादी पार्टी अपने ऊंचे पद पर बैठा दिया। आपका राजनीतिक इतिहास, मुझे लगता था आप विचारधारा से कम से कम अलग
अजय भाई बोलिए। जेपी नड्डा जी ने अजय भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय भाई बोलिए भाई। गौरव भाई जी, हम लोग बैठे थे अध्यक्ष के चुनाव पर बात करने के लिए और भटक गए कहीं और, भटक कहीं और। और ये सारा डिबेट जो हो रहा है, जो लोग देख रहे होंगे वो यही कह रहे होंगे कि राजनीतिक दल यही होते हैं, बाहरी राजनीति, बाहरी राजनीति। हमको एक घंटा हो गया, हम आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे पे बात करने के लिए, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष पे बात करने के लिए। तो चलिए लास्ट में कंक्लूड कर दे रहा हूँ कि जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम अनाउंस हुआ था उसी दिन ये तय हो गया था कि ये रिमोट से ऑपरेट होंगे। अच्छा, और ये बड़ा स्टेटमेंट दिया भाई। हाँ, ये रिमोट से ही ऑपरेट होंगे। और सुनिए, अभी जवाब लेता हूँ, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई, मैं तो चुपचाप सुन रहा था। जी, बोली, 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 बोली। 1072 लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कांग्रेस के, जिन्होंने शशि थरूर को वोट किया है। क्या बात, लोकतंत्र इसको कहते हैं। जी, क्या बात, समझे आप जी। आप लोग तो खाली चिल्ली चिल्ला मचा करके पूरा डिबेट खा गए एक घंटे का। बिल्कुल सही बात है, पूरा चिल्ली चिल्ला ये बलात्कार वो करके। अरे भैया, ये सब काम करना है तो रोड पे करो भैया, डिबेट इसके लिए नहीं बना है। डिबेट जो होता है वो होता है आम जनमानस को सही बात पहुंचाने के लिए। और आप लोग लड़ भिड़ करके वही बस सही बात डिबेट का मजा खराब कर देते हैं कि डिबेट है क्या, तार्किक है ही नहीं है। आपने उनके ऊपर हमला कर दिया, आपने उनके उन्होंने आपके ऊपर हमला कर दिया, ये कोई डिबेट हुई? जी सही बात है। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी बी टीम है भाजपा की। जी लीजिए, आप आइए डिबेट करिए, बात करिए इस पे। जी, गुजरात में अगर कांग्रेस हारेगी तो आम आदमी पार्टी हराएगी उसको जी, और फिर भाजपा सत्ता में आएगी जी। है कोई मुद्दा आपके पास जी? बस लड़िए, चौ 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 चौ, ये लड़ाई बस रहेगी आपके पास जी। आपके पास मुद्दे है ही नहीं है जी, आप बस यही लड़ाई झगड़ा करिए जी, जनता के मुद्दों से दूर भागे रहिए जी, और यही झौंझौ झौंझौ करके, मतलब जो जिसने भी देखा होगा। मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही, मैं एक घंटा इसको अपने कान में अगर रुई लगा लेते तो ज्यादा अच्छा था, मुझे जहां तक लगता है जी। अजय भाई, प्रदीप भाई, जवाब दीजिए, चर्चा खत्म करता हूं। बोलिए प्रदीप भाई, जल्दी बोलिए। देखिए, वो जैसे अभी बता रहे थे कि रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, तो ये इनकी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत सोच हो सकती है। बाकायदा लोकतंत्र की ऐसी बात है, पर्सनल बात कहने के लिए आया हूँ, मैं व्यक्तिगत बात ही अपनी कहने के लिए, सामाजिक बात कहने के लिए नहीं आया हूँ। वो एक करारा, वो उनके लिए करारा जवाब है कि हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोकतंत्र था, लोकतंत्र है। तो 1072 लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ भैया, चुन करके आए। 1072 लोगों को धन्यवाद दे रहा हूँ, 1072 को, 1072 लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने शशि थरूर साहब को वोट दिया, मगर बाकी जो मतलब उनमें ताकत थी वोट मुख्यालय के खिलाफ जाने की, शक्ति थी 1072 में। बारे में आप बात नहीं करेंगे, एक अगर कोई एक वोट इधर करता है तो आप उसकी तारीफ करेंगे, मगर अगर ज्यादा वोट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मिल गए हैं तो आप उनकी तारीफ करेंगे। पहले दिन से आदेश हो गया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही होंगे अध्यक्ष, लोकतंत्र में वो चुन करके आए हैं। अगर आपको भी शायद पता होगा, वोट कंट्रोल से चलने वाले नहीं है जी, आपको पता होगा कि पहले दिन से तय हो गया था मल्लिकार्जुन खड़गे का जिस दिन नाम अनाउंस हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी में उसी को नियुक्त कर दिया जाता है, तय हो गया, कंफर्म हो चुका था कि ये आगे का टेनर बढ़ा दिया गया जेपी नड्डा साहब का। ये सोनिया जी का इशारा था, चलती है रिपोर्ट कंट्रोल पे, यहां पे सोनिया जी का इशारा था। ठीक है, जाइए, आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष में बनाता हूं। ठीक है, पार्टी में कोई रिमोट उदाहरण आपको अभी मिल गया होगा, अगर अभी भी नहीं संतुष्ट हुए हैं आप तो आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, सबके अपने पर आए हैं। खैर, सभी इस चर्चा में जुड़ने के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर चर्चा तो मल्लिकार्जुन खड़गे की ताजपोशी पर थी, महत्वपूर्ण विषय था, और यहाँ पर विषय केवल आरोप प्रत्यारोप के एक नई व्यवस्था पर चला गया। खैर, आखिरी में अजय कुमार श्रीवास्तव जो कि विश्लेषक हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर, मेरी राय ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे केवल रिमोट कंट्रोल से चलने वाले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। खैर, कांग्रेस प्रवक्ता ने उसका विरोध भी किया, पर कहीं ना कहीं एक बात देखने वाली है, अध्यक्ष कोई बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बने, प्रदेश अध्यक्ष कोई बने, पर यहाँ पर सबका केवल एक ही एक कहने ना एक फैसला होना चाहिए कि आगे कैसे काम करना है। सबका एक ही लक्ष्य है, सबका एक ही उद्देश्य है कि सत्ता में कैसे आना है, पर कहीं ना कहीं इन उद्देश्यों के बीच जो आम आदमी के मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, वो भी कहीं कहीं नाराज़ हो जाते हैं। अगर हम चर्चा करते कानून व्यवस्था की, अगर हम चर्चा करते हैं बेरोजगारी की, तो मुद्दा राजनीति चला जाता है, और जब हम राजनीतिक मुद्दे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे में अचानक कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे आकर आसीन हो जाते हैं, और पूरी एक घंटे की चर्चा उसी में हो जाती है। खैर, अध्यक्ष कोई बनता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बनता है, वो परिणाम बात की बात रहेगी। फिलहाल यहाँ पर चुनौतियाँ काफ़ी सारी हैं, और खड़गे साहब के सामने एक चुनौती महत्वपूर्ण ये भी है कि जो आपस में वैचारिक मतभेद हैं उनको भी दूर करना है,
संगठन को मजबूत करना है और आने वाले चुनाव को देखते हुए यहाँ पर एक ऐसी रणनीति बनानी है कि कुछ परिणाम पक्ष में आ पाए, वरना जो व्यवस्था चल रही है उसको चलने ही दिया जाएगा। और हमेशा बीजेपी जिस तरह से लगातार अपने संगठन को मजबूत करके चली आ रही है, आगे भी करेगी, और जिस तरह से उसका परिणाम रहा है, अब तक का प्रदर्शन रहा है, तो एक बड़ी बात नहीं होगी कि हो सकता है कि पुनरावृत्ति फिर हो जाए। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे निप्सी नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पहुंचेंगे हम वहां जहां हर खबर दबाई जाती है, दिखाएंगे वो जो आपकी नजरों से रहता है उजल, पहुंचेंगे हर जिले के कोने कोने तक, जिले की हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू, खबरों में रफ्तार बेखौफ अंदाज, प्रदेश में बनेंगे आपकी आवाज। प्राइम टीवी, सच साहस और सरोकार के साथ।